अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं, एक बार सेवा का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिवान के जिला कलेक्ट्रेट के पास से, जहां बंदरों ने जमकर के उत्पात मचा रखा है। आपको बताते चले कि विगत पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि जो बंदर है वो कलेक्ट्रेट के आसपास में रहते हैं और काफी लोगों को परेशान करते हैं। यानी कि आज एक बार फिर से बंदरों का आतंक जिला कलेक्ट्रेट के पास देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, सिवान के जिला कलेक्ट्रेट के पास की तस्वीर है। स्थानीय लोगों का आना जाना बिल्कुल दुभर हो गया। अगर कोई व्यक्ति उधर से आते हैं तो बंदर आए दिन उन पे हमला कर देते हैं। कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम बंदरों के द्वारा दिया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वन विभाग के कर्मी हैं उनका भी ध्यान नहीं है, वन विभाग के पदाधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है और जिला कलेक्ट्रेट वहीं पर है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों या फिर शहरी इलाके हैं, तमाम लोगों का आना जाना कलेक्ट्रेट में रहता है, क्योंकि बड़े बड़े पदाधिकारी उस कलेक्ट्रेट के कार्यालय में बैठते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर SP हो। लेकिन उसके बावजूद आपको बताते चले कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बंदरों का आतंक सिवान जिला कलेक्ट्रेट के पास देखने को मिल रहा है, लोगों को आने जाने में अब काफ़ी डर लग रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी बंदर हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि बंदरों के द्वारा हमला कर दिए जाते हैं। कई बार इस तरह की घटना घटी है, हम लोगों ने कवरेज भी करने का काम किया है। तो अब ऐसे में वन विभाग के पदाधिकारियों को चाहिए कि जो भी वहां पे बंदर हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, कम से कम अपनी निगरानी में उन बंदरों को वहां से ले जा करके और दूसरे जगह कम से कम जंगलों में छोड़ दिया जाए, ताकि इस तरह का आतंक न मचाए। आए दिन देखा जा रहा है कि बंदरों के उत्पात से लोग काफ़ी भयभीत हैं, वहां के आसपास में जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी भयभीत हैं। और लोगों का मानना है कि इस ओर कोई भी, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, ध्यान नहीं दे रहा है। यह एक बड़ी समस्या है। आपको बताते चले कि आखिर बंदर जो है वो आतंक मचा रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो आखिर कौन बचाएगा इन बंदरों से, यह एक सोचनीय विषय है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको सोचना होगा और इसका निदान निकालना होगा कि आए दिन जिस तरीके से जो घटनाएं घटती हैं, हम बंदरों के द्वारा जो हमले किए जाते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। तो फिर से एक बार ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिवान जिला कलेक्ट्रेट के पास बंदरों का एक गिरोह कहा जा सकता है कि पूरा हुजूम है और वो आतंक मचाने का काम लगातार कर रहे हैं। ATL लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।